देख रहे हैं सच दर्शन। बिस्तर पर लेटी हुई महिला मूलतः बर्मा देश की रहने वाली है, जो अपने पति समेत डाबड़ी इलाके में रहती है और इन दिनों प्रेग्नेंट भी है। पर ऐसी स्थिति में इस महिला के साथ जो वारदात हुई वो दिल्ली के लोगों के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना थी। जब शराब के नशे में तीन मनचलों ने पहले इस महिला के साथ छेड़खानी की और जब महिला और उसके पति ने इन मनचलों का विरोध किया तो उन तीनों मनचलों ने मिलकर सरेआम इस महिला और उसके पति की पिटाई कर दी, जब महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके में पुलिस की लापरवाही के चलते जगह जगह अवैध रूप से शराब और नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है, जिसके चलते नशा करके ऐसे मनचले इस इलाके में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को सरेआम छेड़ते हैं और शिकायत करने पर पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं करती। ऐसे में इलाके के सभी लोग इन नशा करने वाले मनचलों और अवैध नशा व्यापारियों से परेशान हैं। रास्ता में तीन लड़का लोग बाइक से आया और मेरा दीदी को छूना छेड़ा और वो लोग बाइक गया और मेरा वो दीदी के हस्बैंड ने पकड़ा और वो लोग ऐसे कुछ बोला और पत्थर लेकर ब्रिक बड़ा सा लेकर मेरा दीदी की वो सर में ना जोर से मारा। हाँ, घूमते रहते रास्ता में लड़की छेड़ते। ये अक्सर होता है, कोई ऐसी गणरंग नहीं कि यहाँ की बर्मा के लोग हैं उनके साथ हो रहा है। यहाँ तो यहाँ की खुद लड़कियाँ और यहाँ की माताएं बहनें निकलने में यहाँ पर डरती हैं। यहाँ पर सीतापुरी और चाणक्य प्लेस में अक्सर करके हर गली मोहल्ले में आपको शराब बिकती हुई मिल जाएगी। अवैध रूप से शराब बिकती है, अवैध रूप से लोग शराब यहाँ पर पीते हैं और शराब पीने के बाद यही काम करते हैं, कहीं छिड़कानी करेंगे, लड़कियों को कमेंट पास करेंगे, गलत भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ की पुलिस उनसे खुद डरती है, उन लोगों से खुद डरती है कि ये लोग माफिया हैं, ये मार देंगे किसी को, ये करते हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। बाकी बर्मा की महिलाएं हैं, अब दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, भारतवर्ष में अगर आते हैं उनकी इज्जत और सम्मान है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए इज्जत सम्मान नहीं रह गया। यहाँ के लोगों के लिए, लफंडर लोगों के लिए जो अवैध रूप से शराब खरीदते हैं और पीते हैं, और उन शराबियों के लिए किसी की माँ और किसी की बहन उनको दिखाई नहीं देता शराब पीने के कारण। पुलिस अगर यहाँ की सतर्क हो जाए और ठीक हो जाए तो यहाँ की जनता अपने आप कोई भी गलत काम नहीं करेगी यहाँ पर, लेकिन पुलिस सह देती है और पुलिस के स्तर पे ही ऐसा काम हो रहा है जो गलत तरीके से हो रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर डाबड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग समेत तीन लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के डाबड़ी इलाके से नरेश सिंह की रिपोर्ट, सच दर्शन।